हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय चैप्टर 2nd, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज हम इसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में हमने कुछ पदार्थों या मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधियाँ हैं उसके बारे में पढ़ा था, और हमने उसमें एक पढ़ लिया था अपकेंद्रीकरण विधि और उनके उपयोग था। अब हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं दूध से मक्खन या क्रीम को अलग करना। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम और अधिक समझते हैं। दूध से मक्खन या क्रीम को अलग करना। अब हमें पता है कि दूध क्या है, कोलाइडल विलयन है। दूध क्या है, कोलाइडल विलयन है। अब जो दूध होता है उसमें वसा, वसा के कण किस रूप में होते हैं, विलेय के रूप में, तथा जल, जल के कण विलय के रूप में होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वसा के कण होते हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में दूध के अंदर उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार जो जल के कण होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के रूप में जो दूध होता है उसके अंदर उपस्थित होता है। अब इससे यानी दूध से मक्खन या क्रीम को कैसे पृथक करते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दूध को एक पात्र में डाल देते हैं या भर देते हैं, उसके ऊपर एक अपकेंद्रीकरण जो यंत्र होता है या जो मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो होती है, उसको इस दूध के अंदर क्या होते हैं, घुमाया जाता है। और जैसे ही इसको दूध के अंदर घुमाते हैं तो जो दूध के कण हैं उनसे क्या होगा, विलेय, और जो विलायक हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, पृथक्करण होने लगते हैं। अर्थात हम बोलते हैं कि ये जो जैसे मशीन है इस दूध के कणों के अंदर घूमता है या घूमती है, तो ये जो वसा के कण हैं इन वसा के कणों पर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल या केंद्राभिसारी बल बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल या केंद्राभिसारी बल कहते हैं। और ये इस केंद्राभिसारी बल के कारण जो ठोस कण है, वसा के ठोस कण, वसा के ठोस कण, अर्थात हम बोल सकते हैं विलेय के ठोस कण या परिक्षिप्त अवस्था के ठोस कण, पात्र जो है उस पात्र में केंद्र की तरफ, पात्र में जो मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, तो उसमें केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ व्यवस्थित होने लगते हैं। और जो जल के कण हैं अर्थात जो विलायक है या हम इसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम के कण हैं, वो हल्के होते हैं, और हल्के होने के कारण ये जो पात्र होता है इस पात्र में क्या करते हैं, तैरने लगते हैं। तो हम इस प्रकार हम क्रीम से, दूध से क्रीम को आसानी से पृथक कर सकते हैं। इसी तरह हम इस अपकेंद्रीकरण जो मशीन होती है इसका उपयोग दूध से मक्खन, दूध से मक्खन को पृथक करने में भी आसानी से कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि जो बाजार में, बाजार में फुल क्रीम, फुल क्रीम ये क्या होती है, वसायुक्त तथा टोंड वसा विहीन
बाजार से फुल क्रीम जिसमें वसा प्रचुर होती है तथा टोन वसा विहीन होती है वो आसानी से हम परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वो सब क्या है? इस अपकेंद्रीकरण मशीन के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं। तो जो टोन दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बिल्कुल कम होती है, टोंड में वसा की मात्रा न के बराबर होती है, या हम बोल सकते हैं कम होती है, न के बराबर होती है, तो वसा रहित होता है, इसमें वसा की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के द्वारा हम दूध से मक्खन और क्रीम को किस प्रकार पृथक कर सकते हैं। और इसमें आपको पता है कि दूध क्या है? एक कोलाइडल विलयन है। और हमने पीछे पढ़ा था कि कोलाइडल जो विलयन होता है उसमें दो प्रावस्थाएं होती है, एक तो प्रक्षेप प्रावस्था और एक प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेप प्रावस्था होती है वो विलेय के रूप में होती है, और प्रक्षेपण माध्यम जिसको हम विलायक बोलते हैं, दूध में जो वसा के कण होते हैं वो विलेय के रूप में कार्य करते हैं और जल के जो कण होते हैं वो विलायक के रूप में कार्य करते हैं। अब इस दूध को अपकेंद्रीकरण जो यंत्र है उसके अंदर डालते हैं और मशीन है उसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। घुमाते हैं तो क्या होते हैं कि ये जो वसा के कण भारी होते हैं, तो भारी होने के कारण इसके ऊपर एक बल लगता है जिसे केंद्राभिसारी बल या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस अभिकेंद्रीय बल के कारण ये जो वसा के कण हैं वो एक जगह केंद्र की ओर इकट्ठे या एकत्रित हो जाते हैं। जल हल्का होने के कारण पेंदे के पात्र है उसकी सतह के ऊपर तैरने लगता है। तो इस प्रकार हम इस विधि का उपयोग करके दूध से मक्खन और क्रीम को आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो ये हमने इसके बारे में जाना। अब हम इसके बाद में जो अगला हमारा पॉइंट आने वाला है वो आएगा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। अगली हमारी जो विधि आएगी उसका नाम है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। ये विधि भी मिश्रण से घटकों के पृथक्करण की प्रमुख विधि है। इसके द्वारा जो दो अघुलनशील द्रव है उनके मिश्रण को आसानी से पृथक किया जा सकता है। ये जो विधि है इस विधि का नाम है निस्तारण या निथारना। निस्तारण या निथारना, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस विधि में जो अघुलनशील द्रव है जैसे तेल प्लस जल, अब ये दोनों अघुलनशील आपस में नहीं घुलते हैं, तो इनका पृथक्करण इस निस्तारण या निथारने की विधि के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। और आपको इसमें एक मुख्य बात ध्यान रखनी है घनत्व की। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? घनत्व कहते हैं। अब ये जो विधि होती है इसमें क्या होता है? हमें पता है कि जिन पदार्थों का घनत्व क्या होगा? कम, वो तो क्या होंगे? तैरेंगे, ठीक है, या ऊपर आने लगेंगे। अब हम तुलना करते हैं इन दोनों में से, तो इन दोनों में से जो तेल है, केरोसिन है या कोई सा भी तेल है, उसका घनत्व क्या है? कम है। कम है इसलिए ये क्या होगा? ऊपर आ जाएगा जो भी हमें विलयन दिया गया है। और जो जल है उसका घनत्व क्या है? अधिक है, और अधिक होने के कारण वो नीचे की तरफ रहता है। तो इसको हम एक चित्र के द्वारा भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है कि निस्तारण या निथारना किसे कहते हैं, और ये जो विधि है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम आसानी से
समझ सकते हैं। तो ये जो विधि है, सबसे पहले अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के काम में ली जाती है। पहली बात, अघुलनशील जो द्रव हैं, जैसे जल प्लस तेल का मिश्रण, उनको पृथक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगली बात, ये जो द्रव होते हैं वो अपने घनत्व के अनुसार पृथक किए जा सकते हैं, यानी जिनका घनत्व कम होगा वो सतह के ऊपर रहेंगे और जिनका घनत्व अधिक होगा वो नीचे की तरफ व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार हमने इस विधि में ये देखा कि जो अघुलनशील द्रव है उनके मिश्रण को हम आसानी से इसमें निथार कर या निस्तारण के द्वारा अलग किया जा सकता है। अब इसका एक सामान्यतः डायग्राम के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पृथक्करण कीप। इसके लिए हमें सबसे पहले जो पृथक्करण कीप है उसकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने एक जो पृथक्करण कीप है वो बना दिया। अब इसमें एक स्टोव कॉक लगा देते हैं। ये जो है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक स्टोव कॉक। यहाँ पे क्या है, स्टोव कॉक। ये है स्टोव कॉक। ये क्या है, पृथक्करण या पृथक्करण की, पृथक्करण कारी कीप। अब इस पृथक्करणकारी जो कीप होता है उसको हम किसी स्थिर जगह से लटका देते हैं। जैसे मान लो ये हमने किसी स्थिर जगह से इसको क्या कर दिया, लटका दिया है इस पृथक्करणकारी कीप को। और ये सामान्यतः कांच का बना होता है, पृथक्करणकारी कीप है प्रयोगशाला के लिए। और वैसे हम कोई अन्य अगर आर्टिफिशियल भी है वो तैयार कर सकते हैं। ये प्रयोगशाला का पृथक्करणकारी कीप होता है। अब इसमें हमने जल प्लस, जैसे मान लो जल और तेल का मिश्रण डाल दिया, जल प्लस तेल का मिश्रण। ये है जल और ये क्या है, तेल का मिश्रण। तो यहाँ पे हमने इसको तेल को थोड़े अलग रूप से प्रदर्शित कर दिया ताकि समझने में आसानी रहे। इस प्रकार हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। ये क्या है, तेल। इसमें हम केरोसिन ले सकते हैं या जो खाने वाला सरसों का तेल है, रिफाइंड तेल जो भी हमारे पास उपलब्ध हो उसको हम पृथक कर सकते हैं। उसके पश्चात दोनों हमने इसमें डाल दिया, मिट्टी का तेल है वो डाल दिया, स्टोव कॉक लगा दिया, पृथक्करण कीप है, तो ये हमने एक प्रयोग कर लिया। तो ये किसका प्रयोग है, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना इस विधि के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो ये जो प्रक्रिया वो कैसे लिखते हैं, चित्र अनुसार एक पृथक्करणकारी कीप है, उस पृथक्करणकारी कीप को किसी स्टैंड पे या किसी स्थिर जगह से व्यवस्थित कर दिया। जैसे ये स्थिर जगह यहाँ पे, यहाँ इसको व्यवस्थित कर दिया। इस कीप में जल और जो मिट्टी का तेल है, उस मिट्टी के तेल का जो अघुलनशील मिश्रण है इसके अंदर डाल दिया और उसको कुछ समय के लिए हम क्या छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं। और जब हम शांत छोड़ेंगे
तो ये जो तेल और जो जल है वो अपने घनत्व के कारण, जैसे तेल का घनत्व क्या है, कम है, इसलिए वो ऊपर की सतह पर आ जाएगा, और जल का घनत्व क्या है, अधिक है, इसलिए वो नीचे की सतह पर आ जाएगा और एक परत का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये परत है, इस प्रकार एक परत है, उसका वो निर्माण कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे इस स्टॉप जो कार्क है उसको खोलते हैं, तो जैसे इसको खोलते हैं तो यहाँ से जो जल है वो धीरे धीरे किसी पात्र में, जैसे यहाँ पे एक पात्र लगा दिया, इस पात्र में इस जल को क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। और जब जल पूरा धीरे धीरे यहाँ से खाली होते इस प्रकार यहाँ तक आ जाए, उस स्थिति में हम क्या बुक करते हैं, इस कारक को पुनः बंद कर देते हैं। और पुनः बंद करते हैं तो ये जो पूरा जो तेल है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो जल है वो बाहर आ गया। अब इस पात्र को अलग करके जल को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, और फिर किसी तेल को अन्य पात्र में निकालकर हम आराम से निस्तारण या जो निस्तारण विधि है उसके द्वारा दो अघुलनशील द्रव है उसको आसानी से पृथक जो है वो कर सकते हैं। फिर अगला जो इसमें आएगा वो है कि भाई जो निस्तारण विधि है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो आएगा निस्तारण विधि का उपयोग। निस्तारण विधि का उपयोग, निस्तारण विधि का उपयोग, निस्तारण विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है वो हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है इस विधि का उपयोग तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में करते हैं। तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में इस विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सेकंड इसका उपयोग है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। जब धातुओं का खासकर जो लोहा है तो लोहे को अयस्क से पृथक किया जाता है, उस स्थिति में इस निस्तारण या जो निथारने की विधि है इसका उपयोग किया जाता है। तो इस में कैसे करते हैं, जो लोहे का विलयन होता है, अशुद्ध विलयन होता है, उसको क्या करते हैं, निथारने की, यानी उस विलयन को हम क्या छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं। तो जो लोहा है उसका शुद्ध लोहा, उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और अधिक होगा तो वो उस विलयन में एक परत के रूप में ऊपर जम जाएगा, और जो नीचे पदार्थ बचता है जिसका घनत्व क्या होगा, जिसका घनत्व कम होता है, वो क्या होगा, एक परत के रूप में, पात्र है उसके पेंदे के रूप में आराम से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम जो लोहे धातु शोधन के दौरान लोहे हैं उसको पृथकृत कर सकते हैं, अलग जो है वो आसानी से किया जा सकता है। अब इसमें देखो वही चीज़ें हैं, स्लैरी, एक नाम आता है स्लैरी, स्लैरी का मतलब जो अशुद्धि होती है, और एक आता है शुद्ध लोहा या जो स्लैरी होती है। अब इसको हम आराम से भट्टी की निचली सतह से शुद्ध लोहा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो खासकर हमें ध्यान रखना है कि जो धातु शोधन के दौरान लोहे का पृथक्करण है वो भी इस विधि के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अगली हमारी जो विधि रहेगी सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, जिसका हमने जो पीछे भी थोड़ा बहुत पढ़ा है ऊर्ध्वपातन के बारे में, अब इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन के तौर पे शॉर्ट रूप में। अगली जो विधि है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन ये विधि है, इसको हमने पीछे भी अध्ययन के रूप में पढ़ा। अब सबसे पहले आती है इसमें ऊर्ध्वपातन होता क्या है,
उर्ध्वपातन। एक इसमें शब्द आपको ध्यान रखना है, उर्ध्वपात पदार्थ, उर्ध्वपातन। और एक शब्द आपको ध्यान रखना है, उर्ध्वपात पदार्थ। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है उर्ध्वपातन होता क्या है। तो उर्ध्वपातन की एक विधि है जिसमें यदि किसी ठोस को गर्म कर दें, ठोस को गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होने का गुण क्या कहलाता है? उर्ध्वपातन कहलाता है, उर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस में आए बिना, ठोस को यदि गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था नहीं आती और सीधे गैस अवस्था आ जाती है, ये गुण क्या कहलाते हैं? उर्ध्वपातन कहलाते हैं। उसके बाद में इसमें आपको ध्यान रखना है उर्ध्वपात पदार्थ कौन से होते हैं, यानी वे पदार्थ जिनमें उर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है उन्हें उर्ध्वपात पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर, उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड या नोसादर, नोसादर में भी होता है। उसके बाद में आता है आयोडीन है, एंथ्रासीन, नेफ्थेलीन। तो ऐसे कई पदार्थ हैं जिसमें गुण पाया जाता है, आयोडीन, एंथ्रासीन और नेफ्थेलीन। ये सभी पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? उर्ध्वपाद पदार्थ कहलाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पदार्थों में उर्ध्वपातन का है गुण पाया जाता है, इसलिए इन पदार्थों को हम कौन से पदार्थ बोलते हैं? उर्ध्वपाद पदार्थ कहते हैं। अब ये जो विधि है, इस विधि के द्वारा उन पदार्थों का प्रतिकरण कर सकते हैं, सिर्फ केवल उन्हीं पदार्थों का प्रतिकरण किया जा सकता है जिसमें उर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। बाकी पदार्थों का प्रतिकरण इस विधि के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम एक इसको एक शॉर्ट रूप में समझते हैं कि किस प्रकार इसको विधि है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे नमक व कपूर से, नमक व नोसादर मान लो, कपूर मान लो, नमक व नोसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं के मिश्रण को पृथक करना, नमक व नोसादर के मिश्रण को पृथक करना। तो इसके लिए हम एक डायग्राम के द्वारा इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए? एक कीप चाहिए, उसको क्या कर देना है? उल्टा रख देना है इसे। ये उल्टा क्या है? कीप है। इसके ऊपर हम क्या रख दिए? ये रुई है, ये कीप। और इसके बाद में ये जो कीप है ये इस प्रकार कीप को रख दिया, और ये कोई जाली है, उस जाली को हमने बना दिया। और सेम जस्ट जो नीचे है, इसके जस्ट नीचे अब हम वही स्टैंड लगा देते हैं, और ये यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? जो बर्नर है वो लगा दिया, और ये बर्नर है, इसको हम यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं, और ये इसको हम इस प्रकार से उष्मा देते हैं। अब जब उष्मा देंगे और इसको किसी स्टैंड पे आप व्यवस्थित कर सकते हो, किसी स्टैंड पे इस उपकरण को व्यवस्थित है वो कर सकते हो। जैसे ये हमारे पास स्टैंड हमने तैयार किया,
और इस स्टैंड पे इसको क्या कर दिया, व्यवस्थित या रख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने वाच ग्लास लिया है यहाँ पे, इस वाच ग्लास में नमक प्लस नोसा दर का विलयन डालते हैं, नमक प्लस नोसा दर का विलयन डालते हैं। फिर अब क्या करते हैं, ये जो वाच ग्लास होता है, या इसको हम बोल सकते हैं चीनी मिट्टी की प्याली, चीनी मिट्टी की प्याली, और ये क्या है, कीप है, उल्टा कीप, इसको हमें क्या रखना है, उल्टा रखना है, कीप को उल्टा रख देना है। और फिर क्या करते हैं, इस विधि में धीरे धीरे ये जो बर्नर है, इस बर्नर की सहायता से इस वाच ग्लास या जो चीनी मिट्टी की प्याली है, इस चीनी मिट्टी की प्याले में जो नमक प्लस नोसा दर का विलयन हमने रखा है, तो गर्म करते हैं। गर्म करते ही इस चीनी मिट्टी की प्याली के द्वारा जो उष्मा है वो इस नमक और नोसा दर के विलयन तक पहुंचती है। और हमें पता है कि जो नोसा दर का विलयन होता है, इस विलयन में ऊर्ध्वपातन का गुण होने के कारण, अर्थात ये ऊर्ध्वपाज पदार्थ है, और ऊर्ध्वपातन का गुण होने के कारण इसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, अर्थात ये ठोस से सीधे किस में परिवर्तित होगा, गैस में परिवर्तित होता है इस प्रकार। और गैस में परिवर्तित होगा तो ये गैस आपको पता है हल्की होती है, और हल्की होने के कारण इस कीप की नली के द्वारा ऊपर चलती है। और यहाँ पे हमने क्या लगा, ये जो है यहाँ पे हमने रुई लगा दी, और इस रुई से, यहाँ पे रुई है तो रुई से वाष्प बाहर नहीं जा पाएगी और ठंडी हो जाएगी, और ये जो नली है उसकी दीवारों पे क्या होगी, आसानी से जम जाएगी। तो इस प्रकार हम नमक और नोसादर के मिश्रण को आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करने की कुछ विधियाँ देखी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो निस्तारण है, निस्तारण की विधि है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार इनका उपयोग किन किन मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है, ऊर्ध्वपातन है उनका उपयोग किस प्रकार के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है।